इस तरह का कोई टर्म दे रखा है एफ इन टू इन टू डी एक्स मैंने एफ और जी लिख लिखा हुआ f है इन रियलिटी एफ और जी की जगह कोई फंक्शन लिखा हुआ है जैसे जी की जगह और कुछ लिखा हुआ है अगर मान लिया कोई क्वेश्चन ऐसे दिया जाए ठीक है एंड इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई तो एफ डैश जी प्लस जी डैश की फॉर्म का फंक्शन है तो फिर क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए ये ठीक है इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई अगर वो इस फॉर्म का है एंड देन इफ आई एम एबल टू आइडेंटिफाई अगर पहले तो वो उस फॉर्म का है या नहीं है उस पर डिपेंड करेगा अब मान लेंगे इस फॉर्म का है और दूसरा अगर मैंने उसको पहचान लिया कि ये तो कुछ भी नहीं है एफ इंटू जी का डेरीवेटिव लिखा हुआ है तो अगर ये पहचान लिया जाए तो फिर बस एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस सी ऐसे करके आंसर आ जाएगा ये ठीक है फर्स्ट थिंग इसमें नोटिस करने वाली चीज क्या क्या है कि जो ये लिखे ना एफ इन टू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी इसको जो इंटीग्रेट किया गया है इसमें ऐसा हो, 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 मतलब, तो हो सकता है कि जो पहला वाला फंक्शन है एफ इन जी डैश ये खुद इंटीग्रेबल ही ना हो ऐसा भी हो सकता है ठीक है मतलब अगर केवल एफ इन जी डैश दिया जाए तो ऐसा हो सकता है कि दैट इज़ नॉन इंटीग्रेबल बट अगर हमने इसको इसके साथ में दे दिया तो हमें फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये ठीक है पहला नोट तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट अब हमें इसका हिंट कैसे लग सकता है किसी क्वेश्चन में उसमें हिंट के लिए ऐसे सोच सकते हैं लाइन ऑफ थिंकिंग ये हो सकता है कि मान लिया हमें ऐसे कोई इंटीगल दिया गया ठीक है तो हमने पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करने का सोचा सारी चीज लगा लिया सब्सिट्यूशन बाईपास सब सोच के देख लिया बट हमें लगा कि ये नहीं होगा इंटीग्रेट ये ठीक है तो फिर जो प्रेजेंस ऑफ सेकेंड टर्म है मतलब एक इंटीगल के अंदर एक ही फंक्शन क्यों नहीं पूछा प्लस दो क्यों पूछा गया जैसे टू टू पूछेगा एफ डैश इंटू जी एक अलग हो गया दूसरा क्वेश्चन तो अगर ऐसे दो टर्म दे रखे और मान ली हमने पहले तो मतलब पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग से हम क्या सोचेंगे कि पहले वाले को कैसे इंटीग्रेट करें अगर वो मान लिया क्लिक नहीं कराए तो जो दूसरा टर्म प्रेजेंट है उसकी प्रेजेंस की वजह से मे बी विल गेट ए हिंट कि शायद ये दूसरा टर्म इसलिए प्रेजेंट है कि ये दोनों मिलके इंटीग्रेट हो रहा है ये ठीक है शायद ये अकेला नहीं हो पाएगा एक हिंट तो ये हो गया एक लाइन ऑफ थिंकिंग तो ये हो गया ठीक है पहला चीज दूसरा चीज अगर मान लिया ऐसे लिखा है एफ इन टू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी अगर मान लिया हम इसको नहीं पहचान पाएंगे एफ इन टू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी के एग्जैक्ट फॉर्म में कैसे आ रहे हैं बट हमें कुछ ऐसे हिंट लग जाए कि जो पहले में यहां पे एक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दूसरी जगह इन्वॉल्व है ठीक है मान लहाँ पे कुछ टेनिस स्क्वायर करके लिखा हुआ है तो हमने देखा जो टेनिस का डेरीवेटिव है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो और हमसे एफ डैश जी और जी डैश एफ डायरेक्टली नहीं बन पा रहा ठीक है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि पहले वाले टर्म का एक फंक्शन या एक एक्सप्रेशन एफ है और उसी का डेरिवेटिव टाइप दूसरे टर्म में आ रहा है तो सेकेंड लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकता है कि हमने क्या किया सेकेंड कि वाले इंटीगल को कैसे तो छोड़ दिया मतलब अगर हमने डायरेक्टली पहचान लिया तो वेल एंड गुड अगर हमने केवल पार्शियली पहचाना ना कि एफ और एफ डैश टाइप चीज दिखाई दे रही है और जी और जी डैश नहीं बन पा रहा है तो भी हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि एफ इन टू जी डैश डी एक्स अलग कर दिया प्लस एफ डैश इंटू जी डी एक्स अलग कर दिया ठीक है उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो दूसरा इंटीग्रल है इसको तो ऐसे ही रहने दिया इस वाले केस में एफ को पहला बोला इसको सेकेंड बोला और पार्ट्स लगाया तो ऐसा रहेगा एफ इन जी माइनस एफ डैश इंटू जी डी एक्स प्लस इंटीगल ऑफ एफ डैश इंटू जी डी एक्स ऐसे करके आ गया अब इसमें क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया ऐसे ही ठीक है तो आंसर कितना बच गया एफ इन टू जी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डायरेक्टली पहचान पाएंगे एफ जी डैश प्लस एफ डैश जी इस फॉर्म का है तब तो वेर एंड गुड बट अगर हमें ऐसा हिंट लग रहा हो कि एक टर्म का डेरिवेटिव दूसरा टर्म टाइप है और पहले वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है पूरा वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है तो दूसरा लाइन ऑफ थिंकिंग ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से एक को तो ऐसे ही रखो और दूसरे इंटीगल से उस मतलब ये मान लिया सेकेंड वाला इंटीगल तो ऐसे दिया ऐसे ही रहने दिया इसमें तो कुछ नहीं किया हमने ऐसे लिखा रहने दिया और जो फर्स्ट इंटीगल है वहाँ से हमने सेकेंड इंटीगल क्रिएट करने की कोशिश किया तो अगर हमने एफ़ और एफ डैश आइडेंटिफाई कर लिया तो एफ से एफ डैश तक कैसे पहुँचेंगे एफ को डिफरेंशिएट करके तो इसलिए हमने बाई पार्ट में एफ को फर्स्ट फंक्शन ले लिया ताकि डिफ्रेंशिएट करके वहां तक पहुंचे ये ठीक है ये हो गया बस थ्योरी के नाम पे तो यही है और कुछ भी नहीं है अब इसी का स्पेशल केस हो सकता है ये ठीक है सेकंड इफ जी एक्स इज इक्व टू एक्स देन जी डैश एक्स कितना हो जाएगा वन तो दिस एम्प्लाइज

ये ठीक है कुछ भी नहीं बस इसी का स्पेशल केस है यहाँ पे बस जी लिखा था जनरल फंक्शन यहाँ पे जी की जगह एक्स लिख दिया तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आंसर कितना आता था एफ एक्स इंटू जी एक्स तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाना चाहिए एफ एक्स इंटू जी एक्स तो एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना है एक्स प्लस सी ये आंसर हो गया ठीक है और तीसरे केस में अगर मान लिया मैंने ले लिया जी एक्स इज इक्व टू ई रेस्ट टू पर एक्स ये ठीक है देन जी डैश एक्स कितना हो जाएगा दैट विल ऑल्सो बी ई डेस्ट टू बार एक्स तो उसमें क्या होगा कि ये g और g डैश एक जैसी चीज आ जाएगी तो g और g डैश अगर एक जैसी चीज आएगी तो उसको बाहर निकाल दिया तो फिर अबव इंटीग्रल विल बिकम ये ठीक है एफ इंटू ब्रैकेट में सॉरी दोबारा g की जगह पे हमने e रेस्ट पर x रखा है तो जो पहला टर्म है वो तो हो जाएगा f इन टू रेस्ट पर एक्स और दूसरा टर्म हो जाएगा एफ डैश e तो इसमें क्या होगा e रेस्ट पर x को कॉमन ले एफ प्लस एफ डैश बन गया ठीक है तो e रेस्ट पर x किसी क्वेश्चन में अगर दिखाई दे रहा हमें लगे कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है तो e रेस्ट पर x को कॉमन लेके भी हम देख सकते हैं कि अंदर f प्लस एफ डैश जैसी चीज बनी क्या अगर बन गया तो इट कैन बी रिटन इन एस ये भी एफ लिखने का मतलब एफ़ एक्स ही लिखा हुआ है ठीक है एफ लिखना और एफ एक्स लिखना फॉर मी इज द सेम थिंग ठीक है आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू मतलब मैं इसको अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ एक ही बात है दोनों सॉरी <laughs> आंसर नहीं बस ये ख़त्म हो गया ठीक है